हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पियनिक ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की साक्षरता। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहां पर उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं उनको हम यहां पर घटते हुए क्रम में ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद हम यहां पर इसमें जो सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले हैं उसको पढ़ते हुए क्रम में यहां पर ट्रिक से याद करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए अभी हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें इसके सभी जिले और यहाँ पर उनकी कुल साक्षरता का जो प्रतिशत है वह यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ट्रिक को जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम यहाँ पर इनको नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जिले और यहाँ पर ये जिले वाइज यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। औसत साक्षरता राज्य 78.82% है। पुरुष साक्षरता यहाँ पर 87.40% है। महिला साक्षरता है 70.0%। और यहाँ पर औसत साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान है 17वां। और पुरुष की साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां। महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान है 20वां। ग्रामीण साक्षरता है 76.31%। नगरीय साक्षरता है 84.45%। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर जो सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं उनको यहाँ पर घटते हुए क्रम में लिखते हैं और उसके बाद हम उसकी ट्रिक को देखते हैं, उसको याद करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक जो साक्षरता वाले जिले हैं वह ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं घटते क्रम में देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। तो यहाँ पर हम इनको नोट कर लेते हैं। तो यह 4 जिले, अभी हम यहाँ पर इसकी ट्रिक को देखते हैं और उसके बाद इसको याद करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देने चल पत्थर, अभी यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं उसके बाद इसको याद करेंगे। देखिए यहाँ पर दे से हो गया देहरादून, ने से हो गया नैनीताल, चल से हो गया चमोली और यहाँ पर पत्थर से हो गया पिथौरागढ़। तो इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म हो गई। अभी यहाँ पर किस प्रकार से इसको याद रखना है देखिए, सर्वाधिक साक्षरता यानी कि सबसे अधिक शिक्षित होना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये है देने चल पत्थर। ठीक, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि देने चल पत्थर। पत्थर किसको देने चलना है देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता सबसे अधिक यानी कि जो शिक्षित है उसको पत्थर देना है। पत्थर कैसे देना है, यह जो पत्थर है यह एक अवार्ड के रूप में है। ओके, तो यह कैसा पत्थर है, अवार्ड के रूप में एक पत्थर दिया जा रहा है यानी कि यह जो अवार्ड है वह पत्थर से निर्मित है। ओके, तो देने चल पत्थर सबसे अधिक जो शिक्षित व्यक्ति है उसको पत्थर देना है। ओके, यानी कि पत्थर का अवार्ड देना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं, सर्वाधिक साक्षरता सबसे अधिक जहाँ पर व्यक्ति शिक्षित होंगे उनको क्या देना है, पत्थर का एक अवार्ड देना है। और यह पत्थर का अवार्ड बहुत ही कीमती और अनमोल होगा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर यह पत्थर का वार्ड दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम सबसे कम साक्षरता वाले जो चार जिले हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं और उसके बाद उसकी ट्रिक को याद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर यह हो गया सबसे कम साक्षरता वाले चार जिले। अभी यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर आप देख सकते हैं सबसे कम साक्षरता वाले जिले ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो यहाँ पर हम जो चार जिले हैं वह लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है उधम सिंह नगर, उसके बाद है हरिद्वार, फिर है उत्तरकाशी, उसके बाद है टिहरी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह चार जिले हो गए। अभी हम यहाँ पर इसकी ट्रिक को देख लेते हैं और उसके बाद उसको याद करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है वह क्या है। ट्रेन है ऊट, ओके, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह ट्रिक है उसेन है ऊट। तो फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर हम फुल फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद इसको याद करेंगे। देखिए हुसैन उधम सिंह नगर, हा से हरिद्वार, उसे उत्तरकाशी, टा से टिहरी। अभी देखिए इसको किस प्रकार से याद रखना है, आपको मालूम ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसेन बोल्ट नाम के एक रेसलर हैं, ठीक है, यह इंटरनेशनल लेवल के एक धावक हैं जिनका नाम है उसेन बोल्ट। तो उसेन बोल्ट क्या है, एक धावक है ना, उसेन बोल्ट एक धावक है, यानी कि यह दौड़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यह सबसे ही तेज धावक है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इनकी तुलना किससे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक यह जो ऊँट है इससे कर रहे हैं, उसेन है ऊँट। ऊँट क्यों है, देखिए जिस प्रकार से ऊँट रेगिस्तान में सबसे तेज दौड़ सकता है, उसी प्रकार से उसेन बोल्ट यहाँ पर यह जो धावक हैं सबसे तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जानवरों में रेगिस्तान में ऊँट सबसे तेज दौड़ सकता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्यों में जो उसेन बोल्ट नामक के यह व्यक्ति हैं सबसे तेज दौड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो उसेन है ऊँट। अभी देखिए इसको किस प्रकार से याद रखते हैं, सबसे कम साक्षरता वाले चार जिले, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता यानी कि जो सबसे कम शिक्षित होते हैं, यानी कि बहुत ही कम शिक्षित होते हैं, वह क्या करते हैं, वह जो गेम होते हैं, ठीक है, यानी कि गेम्स की ओर अपना रुख बना लेते हैं और वह गेम्स में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और फ्रेंड्स, यानी कि आप यह समझ सकते हैं यहाँ पर यह जो गेम्स होते हैं इनमें जो प्लेयर होते हैं वह बहुत ही कम शिक्षित होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे कम शिक्षित होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रियली में होते हैं, बट हम यहाँ पर इसको याद कर रहे हैं रिलेट करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे कम साक्षरता वाले, ठीक है, यानी कि सबसे कम जो शिक्षित है वह क्या करते हैं, सबसे कम शिक्षित जो बच्चे होते हैं वह अपना रुख गेम्स की ओर बना लेते हैं, तो वह एक प्लेयर कहलाते हैं। ओके, जिस प्रकार से यहाँ पर यह एक प्लेयर है, उसेन है ऊँट, यह जो प्लेयर है यह एक धावक है, ठीक है, तो उसेन है ऊँट। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जब सबसे कम साक्षरता वाले जो यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे आपको तुरंत ही याद आ जाना चाहिए। सबसे कम साक्षरता किसकी थी, यानी कि सबसे कम शिक्षित कौन था, या फिर सबसे कम शिक्षित जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, गेम्स की ओर रुख कर लेते हैं। और गेम्स की ओर रुख करने से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि गेम्स में यहाँ पर कौन है, उसेन बोल्ट नामक व्यक्ति भी
गेम से ही रिलेटेड हैं, यानी कि यह भी एक प्लेयर हैं, ठीक है। और इससे यहाँ पर आप एकदम से ऊँट को रिलेट कर देंगे, हुसैन है ऊँट, ठीक। तो यहाँ पर यह ट्रिक आपको इजीली याद आएगी, इससे आपके यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह ट्रिक पूरी हुई और यहाँ पर हमारा टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप उत्तराखंड के अपडेट पाना चाहते हैं तो आप अभी हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल का नाम है एसपीयूनिक अपडेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।